गाइस आज हमने मंगाया है मीशो से ये येलो कुर्ता, ठीक है। ये पूरा हमको पड़ा है, ठीक है। आपको पूरा इसका रिव्यू करके दिखा रहा हूँ। इसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो ऑर्डर करने के लिए लिंक आपको मिल जाएगा। इसकी डिटेल्स वगैरह भी सारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया मैंने। ये मीशो से येलो कुर्ता मंगाया है जिसकी कॉस्ट है, ठीक है, वैसे तो 700 रुपए थी, पर डिस्काउंट करने के बाद अप्रोक्सीमेट 650 रुपए का ये कुर्ता मुझे पड़ा है येलो। तो इसमें हमको पूरा कुर्ता सेट मिला है जिसमें हमको एक व्हाइट पजामा भी मिला है, ठीक है। तो पूरा आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा रहा हूँ। पहले इसकी जो पैकेजिंग है बिल्कुल ऐसी आई थी, ठीक है। पैकेजिंग में थोड़ा सा मतलब गलत था कि इन्होंने बिल्कुल भी कोई इस पे गत्ता वगैरह नहीं चढ़ाया, सिर्फ जो यहाँ पे हमको पॉलिथीन चढ़ा के दिया था सबसे पहले, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। इसके बाद सबसे पहले ये व्हाइट पजामा है इसका, ठीक है, 40 नंबर का ये पजामा है। तो इसको भी ट्राई करके देखेंगे और कौन सा साइज है वो भी आपको बता दूंगा। ये जो मैंने साइज मंगाया था डबल एक्सल साइज मंगाया था, आपको वियर करके भी दिखाता हूँ इसकी जो ग्रेस है वो कैसे आने वाली है। फिलहाल आपको क्लोजअप लुक से मैं दिखा देता हूँ कि कैसे है जो इसकी क्वालिटी है और कपड़े का मटेरियल कैसे, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं, आगे आके दिखा दो। तो ठीक है, ये हमारे पास ऐसा कुछ कपड़ा है जो हमको मिला है, ये पूरा यहाँ पे आप क्लोजअप लुक से देख सकते हैं। इसका जो कलर है वो तो सही है, येलो कुर्ता मंगाया था वो भी सही है, पीस कोई डिफेक्टिव भी नहीं है, ठीक है। इस प्रकार का जो कुछ कुर्ता आपको देखने को मिल जाएगा, ये डबल एक्सल साइज है तो वही तो ये साइज है, पूरा फिट हो जाएगा। जो मेरी हाइट है वो 6 फिट हाइट है मेरी, तो शायद मुझे ये जो अच्छे से फिट हो जाएगा। बाकी डाल के देखते हैं कि कितना टाइट और कितना सही है रहने वाला है। तो ये तो हो गया हमारा कुर्ता, उसके बाद अभी आपको पजामे की क्वालिटी भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये इसमें पजामा निकला है जो नाड़े वाला, इसमें पजामा है, ठीक है। नॉर्मल जो पजामा होता है कुर्ते पजामे में, नाड़ा इसमें अवेलेबल है। इसमें पेंट टाइप में है बेसिकली और ये बिल्कुल स्ट्रेट फिटिंग में है। तो ये भी वियर करके आपको दिखाता हूँ पूरा सेट कैसा लगने वाला है। बाकी अभी दोनों चीजों का मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है, ये कुर्ता है और ये पजामा है। बाकी अभी आपको पूरा ट्राई करके दिखाता हूँ कि कैसे रहने वाला है। जिसको भी परचेज करना है पूरा लिंक है जो नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उससे आप परचेज भी कर सकते हैं। तो अभी आपको ट्राई करके दिखाते हैं। तो गाइस देखो, पूरा वियर कर लिया है। अभी जो मेरी हाइट है 6 फीट है और मैं थोड़ा मोटा भी हूँ, तो ये मैंने मंगाया था डबल एक्सल साइज जो कि मुझे थोड़ा सा टाइट आ रहा है। तो अगर आप थोड़े से पतले होंगे मेरे से तो आपको ये वाला साइज है बिल्कुल फिट आ जाएगा 6 फिट में। अभी जो मेरा वेट है अप्रोक्सीमेट 98 के आसपास है। तो आप अगर थोड़े से पतले हैं मुझसे, ठीक है, मेरी वीडियो से तो आपको समझ आ ही रहा होगा, मुझसे थोड़े से पतले हैं तो आपको ये डबल एक्सल साइज सही आ जाएगा। मुझे ये जो साइज है थोड़ा सा टाइट आ रहा है, ठीक है। जो ये पजामा है वो भी थोड़ा सा टाइट आ रहा है। पजामे की फिटिंग भी आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल मतलब नैरो टाइप का पजामा आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे पूरा। अच्छा, पजामे की क्वालिटी तो इसकी ओके है, क्योंकि ठीक है 600 रुपए में आपको इससे अच्छी क्वालिटी कुछ नहीं मिलने वाली। ये 1 to 2 टाइम यूज आपका रहने वाला है। धोने के बाद देखते हैं इसकी शाइन कैसी रहेगी कैसे नहीं, आप वो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि धोने के बाद इसकी जो शाइन है वो कैसी है, आप ले सकते हैं नहीं। फिलहाल तो यहाँ पे देखो अच्छी खासी इसकी ग्रेस आ रही है, चमक रहा है। तो आप ये शादी वगैरह के वेडिंग वाले फंक्शन पे 1 या 2 बार पहन सकते हैं, ठीक है, ऐसी कुछ फिटिंग है। मुझे तो शायद ये जो एक्सचेंज कराना पड़ेगा, इससे अगर बड़ा साइज अवेलेबल होगा तो बोलूंगा, नहीं तो ये रिटर्न करना पड़ेगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये टाइट पड़ रहा है। तो साइज अवेलेबल होगा तो हम नया ले लेंगे, बट आपके लिए पूरी रिव्यू वीडियो आपको देख सकते हैं कि अच्छी खासी है क्वालिटी, तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। मेअंत्रा से जॉम्पर्स का ब्लैक कलर का कुर्ता, चिकनकारी का कुर्ता मंगाया है। जिसको भी ऑर्डर कर रहे हैं उसको डायरेक्ट लिंक्स वगैरह नीचे मिल जाएंगे। कुर्ते की जो डिस्क्रिप्शन देखने के लिए वो सारे लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी फिलहाल ऐसा कुछ पैकेज है जो डिलीवर हुआ है, पैकेजिंग है थोड़ी सी ठीक आई है, बट सिर्फ एक हल्का सा बस कागज के ऊपर चढ़ा के दिया गया है। ये जो वैसे इसकी कॉस्ट है ऑनलाइन आपको अप्रोक्सीमेट, ठीक है, 1500 की पड़ती है, मुझे डिस्काउंट वगैरह करके ये जो कुर्ता पड़ा है 1350 रुपए का पड़ा है, ठीक है, 1300 रुपीज का, मतलब 500 अप्रोक्सीमेट 50 से 60 रुपए का डिस्काउंट मिला था। इसमें हमको ये जो दोनों चीजें मिली है, कुर्ता और पजामा, दोनों चीजें हैं जो ट्राई करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं अनबॉक्सिंग करने के बाद आपको ऐसी कुछ दो चीजें मिलेंगी। ये हमारा पजामा है, ये हमारा कुर्ता है। जो साइज मैंने मंगाया है वो एक्सल साइज मंगाया है। जो मेरी हाइट है वो अप्रोक्सीमेट 6 फीट हाइट है मेरी और मेरा वेट अप्रोक्सीमेट, ठीक है, 100 के आसपास है, देख सकते हैं मेरी सेज। तो एक्सल साइज मैंने मंगाया है, इसको ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसा रहने वाला है। पहले आपको ये जो अच्छी तरीके से इसकी क्वालिटी वगैरह दिखा देता हूँ कि कैसी इसकी क्वालिटी है। सबसे पहले है जो हम इसका कुर्ता देख लेते हैं, कुर्ते की क्वालिटी। ऐसा कुछ कुर्ता है जो आपको देखा देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं काफी अच्छा कुर्ता है जो आपको दिख रहा है वीडियो में। पास से भी आपको दिखा देता हूँ कि क्वालिटी इसकी कैसे रहने वाली है। पास आके देख सकते हैं तो अच्छी खासी इस पे चिकनकारी का जो वर्क है, ये कुर्ता देख सकते हैं कि इस पे चिकनकारी का वर्क आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे इस पे शीशे थोड़े से लगे हुए हैं, बाकी जब वेयर करूंगा तो असली ग्रेस आपको तब पता लगेगी। फिलहाल आप अभी इसमें ऐसी देखिए। उसके बाद है जो हम इसको अनबॉक्स करते हैं इसके पजामे को, तो पजामे में भी देखते हैं। जो पजामा है ये चूड़ीदार पजामा निकला है, कैसा निकलेगा मेरे को कितना फिट करेगा वो हमको देखना पड़ेगा, वो डालने के बाद ही समझ आएगा। बट जो पजामे की क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी इसमें दिख रही है, प्योर कॉटन में हमको देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे पजामा है
और ये कुर्ता है। तो अब दोनों चीजों को, दोनों चीजें हमने निकाल लिए ठीक है। ये हमारे पास सबसे पहले ये कुर्ता है, अभी इसको हम ट्राई करके देखेंगे कैसे है। लगाने पे तो लग रहा है कि मुझे फिट हो जाएगा, बाकी अभी डालने के बाद देखेंगे। ये जो साइज मैंने मंगाया एक्सेल साइज है, पूरा इसको देखे डाल के देखते अच्छे से। उसके बाद ये हमारा पजामा है, ये भी दोनों चीजें जो ट्राई करेंगे। पजामा तो इसका काफी ज्यादा खुला और बड़ा लग रहा है, तो मुझे लगता है पजामा तो मुझे अच्छे से फिट हो जाएगा। इसको शायद मुझे थोड़ी सी फिटिंग वगैरह भी करानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो पजामा है चूड़ीदार पजामा है। तो अब इसको फटाफट ट्राई करते हैं और देखते हैं कि इसकी जो ग्रेस है कैसे लगने वाली है। भाई देख सकते हो ऐसी कुछ जो लुक है पूरी आ रही है। इसका ये जो एक्सेल साइज है बिल्कुल मेरे को फिट आ चुका है। तो जो भी 6 फिट के बंदे हैं और जिनका वेट थोड़े मेरी तरह मोटे हैं, तो उनको एक्सेल साइज आ जाएगा। जो मेरे से थोड़े से पतले पतले और हाइट लंबी है, तो वो इसका जो है एल साइज भी ले सकते हैं, वो भी उनको अच्छे से फिट आ जाएगा। मुझे इसका एक्सेल साइज बिल्कुल अच्छे से फिट आ चुका है, शाइनिंग काफी ज्यादा अच्छी है। तो लेकिन इसकी जो क्वालिटी है थोड़ी हल्की है, कपड़ा थोड़ा सा पतला ही है, तो ये भी आपका चल जाएगा। लेकिन 2-3 शादियों में आप अच्छे से डाल सकते हैं। पजामा भी इसका बिल्कुल अच्छे से फिट हुआ है, लेकिन थोड़ा चूड़ीदार पजामा है बिल्कुल, मतलब ऐसे पैरों के साथ चिपका हुआ है। तो जो लोग वो पसंद करते हैं उनके लिए तो वेल एंड गुड है, बाकी पूरी लुक तो आपके सामने है ही ठीक है। पूरा आपको 360 दिखा देता हूँ। इसकी लेंथ वगैरह भी बिल्कुल सही है, जो बिल्कुल मेरे घुटनों तक आ रही है, परफेक्ट लेंथ है। बाकी आपको देख के पूरी लुक जैसी अगर पसंद आ रही हो तो नीचे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है तो वो भी देख सकते हैं। और जिसको परचेज करना है, डायरेक्ट लिंक्स वगैरह भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए, उस लिंक से आप परचेज कर सकते हो। तो ये था पूरा रिव्यू हमारे पास का, ये कुर्ता है जो हमने मंगाया था, चिकनकारी विद चूड़ीदार दोनों ठीक है। 1400 रुपए का ये हमको पड़ा है, जो मिंत्रा से हमने मंगाया है। पूरा रिव्यू हो गया कुर्ते का, जॉम्पर्स कंपनी का है ये। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, रिव्यू पसंद आया तो, और भी कोई डाउट है कमेंट्स में पूछ सकते हो।